हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज मैं आपको बताऊंगी कि हम चना मसाला कैसे बनाते हैं। तो आज मैं आपको बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी और बहुत सुंदर मैं आपको और आसान तरीके से चना मसाला बना के बताती हूँ। तो हम सबसे पहले लेंगे कुकर, इसके बाद चालू करेंगे गैस को। गैस हमारा चालू हो गया तो हम इसमें ये बॉईल किया हुआ चना डालेंगे। ये देखिए मेरा चना है, मैंने बॉईल कर लिया है। तो रात भर भिगा कर इसको मैंने कुकर में डालूंगी और पानी हम अपने हिसाब से डालेंगे। तो मैं इसमें डालूंगी, अगर ज़्यादा चना है तो पानी ज़्यादा लगेगा। मेरा 1 कप चना है तो मैं इसमें 2 गिलास पानी डालूंगी। 2 गिलास पानी डाल दिया मैंने। अब मैं इसमें डालूंगी 1 चम्मच नमक। अगर नमक मैं डाल के बॉईल करूँगी तो चना जल्दी से हो जाएगा और नमक अंदर तक इसमें घुस जाएगा। तो चलिए मैं अभी इसका ढक्कन लगाती हूँ। मैंने इसका ढक्कन लगा दिया फ्रेंड। अब इसको मैं 3 से 4 सीटी तक वेट करूँगी। 3-4 सीटी हो जाएगा तो मैं इसको खोल के दिखाऊँगी कि हमारा चना पक गया है कि नहीं पका है। तो इसके बाद हम चलते हैं, बाकी की तैयारी कर लेते हैं, अपना मसाला वसाला तैयार कर लेते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि हमें चना मसाला कैसे बनाना है। देखिए फ्रेंड, तो मैंने ले लिया है इसमें मसाला जो है कि कच्चे मसाले हैं। मैंने एक लिया है बड़ा साइज़ का प्याज लिया है, कुछ 5 से 6 सूखी मिर्च लिया है, ये अदरक का टुकड़ा लिया है थोड़ा सा, और 2 बड़ा साइज़ के टमाटर लिया है, कुछ लहसुन की कलियां लिए हैं। तो ये सारे कच्चे मसाले हैं फ्रेंड। तो इस मसाले को मैं अच्छे से मिक्सर में पीस के पेस्ट बना लेती हूँ। तो इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा चना हुआ है कि नहीं। हमारा चने का 3 सीटी होगा, 1 सीटी और लगाएंगे। तो हम चलते हैं अम्मी मसाला तैयार करने के लिए। हेलो फ्रेंड, तो चलिए हम देखते हैं अपना चना। हमारा चना हो गया है, ये देखिए हमारा चना एकदम अच्छे से हो गया है रेडी। ये देखिए एकदम आसानी से दब जा रहा है। तो हमारा चना तैयार हो गया है। तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो हम सबसे पहले कढ़ाई लेंगे। फ्लेम ले लिया है, अब फ्लेम को हम चालू करेंगे। कढ़ाई गर्म हो जाती है तो हम इसमें डालेंगे सबसे पहले तेल। तो देखिए फ्रेंड, मैंने इसमें डाल लिया है तेल, जो कि खाने का तेल है, सरसों का तेल। आप अगर आपके पास सरसों का है तो सरसों का डालिए। रिफाइन है, सनफ्लावर है, सोयाबीन है, सिंग तेल है, जो भी आपके पास तेल है खाना बनाने वाला वो आप ले सकते हैं। तो देखिए मेरा तेल हो गया है गरम। अब इसमें डालूंगी मैं सबसे पहले ये तड़का। तड़के के लिए मैंने लिया है, ये देखिए 2 तेज़पत्ता लिया है, और ये मैंने थोड़ा सा 1 चम्मच मैंने जीरा लिया है, ये 2 टुकड़ा मैंने मतलब 2 मिर्ची है, लाल मिर्ची है, और इसको मैंने टुकड़ा कर लिया, और थोड़ा सा लिया है मैंने इसमें ये अपना ये क्या बोलते हैं इसको, काली मिर्च का पाउडर है, दरदरा मैंने कर लिया है। तो अब इसमें मैं इस सब का तड़का डालूंगी। तो ये मेरा तड़का जब तक भून रहा है, थोड़ा सा मैं इसको हिला देती हूँ ताकि हमारा तड़का भून के रेडी हो जाए, लाल हो जाए। तो ये देखिए फ्रेंड, हम इसमें ये देखिए हमारा ये तड़का हो गया लाल। तो हम इसमें अब डालेंगे जो कच्चा मसाला का मैंने पेस्ट बना के रखा था वो मैं डालूंगी इसमें। ये देखिए ये मेरा सब लाल हो गया, जीरा लाल हो गया, मिर्ची लाल हो गया, तेज पत्ता लाल हो गया। तो अब मैं इसमें डालूंगी ये कच्चे मसाले का पेस्ट है जो मैंने पहले ही इसको तैयार करके रख लिया था, ये देख लीजिए। तो मैं इसमें डालूंगी ये, अब मैं इसको अच्छी तरह से फ्रेंड भून लूंगी, अच्छे से इसको पूरे अच्छे से मैं भून लूंगी धीरे धीरे।
और फ्रेंड इसमें जो हम मसाला छोला मसाला बना रहे हैं, मतलब चना मसाला हम बना रहे हैं, तो इसमें हम थोड़ा तेल का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे, क्योंकि तेल अच्छा रहता है तो हमारा मसाला भून के अच्छे से रेडी होता है। तो मैं इसमें थोड़ा सा ज़्यादा तेल डाली हूँ, आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। फ्रेंड बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी लगता है ये छोला इस तरह से आप बनाएंगे तो, जिस तरफ से मैंने बनाया इस तरफ से आप बनाइए, बहुत अच्छा लगता है। फ्रेंड आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि मेरा चना मसाला कैसा बना है। फ्रेंड बहुत आसान है बनाना, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है, बच्चों को बहुत पसंद है, और आप इसको किसी के भी साथ खा सकते हैं, राइस हो, पूड़ी हो, पराठा हो या भटूरा हो, इसको किसी भी साथ खा सकते हैं। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा भून लेती हूँ, भून के मैं बताती हूँ कि इसमें और क्या क्या मसाला हमको ऐड करना है। चलिए फ्रेंड तो हम इसमें डालते हैं मसाला, कच्चा मसाला हमारा भून के रेडी हो गया है, तो हम इसमें ऐड करते हैं थोड़ा सा गरम मसाला, बाकी सब देखिए मैं आधा चम्मच, एक चम्मच से कम हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, आधा चम्मच मैं जीरा पाउडर डाल रही हूँ, एक चम्मच मैं इसमें गरम मसाला डाल रही हूँ, और एक चम्मच धनिया पाउडर डाल रही हूँ, और स्वाद अनुसार मैं नमक डालूँगी, क्योंकि मैंने नमक तो चने में भी डाला है, तो नमक का इस्तेमाल यहाँ पर मैं कम करूँगी, तो एक चम्मच से कम मैंने नमक डाला है। अब मैं यहाँ पर आधा चम्मच आमचूर पाउडर डालूँगी, आमचूर पाउडर से इसका खट्टापन है जो टेस्ट है अच्छा आता है, तो मैं आधा चम्मच आमचूर पाउडर डालूँगी, और लाल मिर्ची का मैंने इस्तेमाल इसमें पहले से किया हुआ है, तो लाल मिर्ची का इस्तेमाल यहाँ पे मैं नहीं कर रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप अपने हिसाब से इसमें लाल मिर्च का ऐड कर सकती हैं, अगर आपको पसंद है तो आप इसमें मिक्स कर लीजिएगा, लेकिन मैंने इसमें डाल दिया है पहले से, तो मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और अच्छे से इसको भून के इसको भी अच्छे से भूनूँगी, 5 मिनट इसको भी अच्छे से भूनूँगी, इसके बाद मैं इसमें डालूँगी चना। तो मैं इसको 5 मिनट भून लेती हूँ, इसके बाद मैं इसमें डालती हूँ चना। फ्रेंड ये देखिए मैं ये डाल रही हूँ इसमें थोड़ा सा, एक चम्मच है, एक बड़ा चम्मच है इसमें, ये अपना चना मसाला है, मैं इसको भी ऐड कर देती हूँ, और ऐड करके मैं अच्छे से भून लेती हूँ। तो मेरा मसाला भून के हो गया है रेडी, आप देख सकते हैं मेरा मसाला है जो अच्छे से तेल छोड़ दिया है। तो मैं इसमें ऐड करूँगी अपना चना, जो कि मैंने पहले से बॉईल करके रखा हुआ है, तो मैं इसको अभी ऐड कर लेती हूँ चने को। फ्रेंड मैं इसमें का जो पानी बचा हुआ था इसको मैंने ये इसी में ऐड कर दिया है, डाल दिया है, क्योंकि ये बॉईल किया हुआ चना का पानी था, मैंने निकाला नहीं था, इसी में रखा था, क्योंकि अगर वो पानी निकाल देते तो हम कहते हैं कि विटामिन, चने की जो विटामिन होती है वो सब निकल जाती है, तो मैंने वो पानी इसी में रखा था, और उसी पानी के साथ मैंने इसको डाल दिया है चने को। तो आप देखिए मेरा मसाला मिक्स हो गया है चना, मैं अब थोड़ा सा इसमें और पानी डालूँगी, जो कि मैंने गर्म करके रखा हुआ है, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। अगर आपको मीडियम में बनाना है तो कम पानी का यूज़ कीजिए, और ज़्यादा बनाना है तो थोड़ा सा पानी का यूज़, यहाँ थोड़ा ज़्यादा कीजिएगा। तो मैंने देखिए थोड़ा सा पानी का ज़्यादा इस्तेमाल किया, थोड़ा सा मसाला पकने के लिए मैं थोड़ा सा पानी ज़्यादा लिया, तो मैं अभी इसको ये 5 मिनट के लिए इसको ढक दूँगी, क्योंकि मेरा मसाला भून के रेडी है, मैंने इसमें गर्म पानी ऐड किया हुआ है, और चना मेरा बॉईल है तो मैं इसको ज़्यादा नहीं पकाऊँगी, मसाला को खाली 5 मिनट पकाऊँगी। तो मैं 5 मिनट पका के मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा चना मसाला बन के कैसे रेडी हो जाता है। चलिए फ्रेंड हम देखते हैं हमारा चना मसाला बन के रेडी हो गया है, वाओ, तो देखिए मेरा चना मसाला बन के एकदम रेडी हो गया है, परफेक्ट बना है, अच्छा बना है। फ्रेंड मैंने इसमें थोड़ा सा डाल दिया है पनीर, क्योंकि पनीर बहुत बच्चों को बहुत पसंद है, तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा इसमें पनीर को फ्राई करके ऐड कर दिया है, पनीर से और इसका जो लुक है, जो टेस्ट है और जो स्वाद है वो एकदम उभर के आ गया है। तो ये देखिए आप मेरी सब्ज़ी को देख लीजिए कितनी अच्छी और कितनी टेस्टी सब्ज़ी बनी है।
इसका मसाला भी बहुत अच्छा है। तो चलिए हम इसमें ऐड करते हैं थोड़ा सा हरा धनिया। अगर आपके पास कसूरी मेथी है तो कसूरी मेथी ऐड कर दीजिएगा, मैं तो ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास नहीं है, लाना पड़ेगा उसके लिए। तो आप देखिए मेरी सब्ज़ी बनके कितनी अच्छी और कितनी टेस्टी बनी है, कितनी लाजवाब मेरी सब्ज़ी बनी है। तो आप भी बनाइए, खाइए, देखिए मेरी सब्ज़ी कितनी अच्छी बनी है। तो अब मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि मेरा चना मसाला कैसा बना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।